नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत हो गई है। 20 और जवानों के शव बरामद हुए हैं। सूबे के डीजी डीएम अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। अभी एक जवान लापता है, कुल 31 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस साल का ये सबसे बड़ा नक्सली हमला, इस हमले में 8 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 1 लापता, राज्य पुलिस के 14 जवान शहीद हुए हैं। वहीं इस हमले की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। चुनावी दौरा छोड़ दिल्ली रवाना हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसी बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। अमित शाह ने रविवार सुबह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन पर बीजापुर में हुई नक्सली घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को बीजापुर में राज्य और केंद्र के सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की मैदानी स्थिति से अवगत भी कराया था। आपको बता दें कि शनिवार को इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान नक्सलियों के सबसे बड़े पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 में से एक हिडमा के गढ़ में था। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि नक्सलियों का बड़ा दुर्दांत कमांडर हिडमा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पोवर्ती गांव में है, जिसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों ने 3 तरीके से सुरक्षा बलों पर हमला किया। पहला बुलेट से, दूसरा नुकीले हथियारों से, और देसी रॉकेट लॉन्चर से। करीब 200 से 300 नक्सलियों का समूह सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर टूट पड़ा। नक्सलियों के इस अंतिम गढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है, और कुछ ही देर में डीजी सीआरपीएफ वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्रीय यूनिट से सुरक्षा बल भी पहुंचेंगे, और इस अभियान में तेजी भी लाई जाएगी। कई नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग बलिदान का बदला मांग रहे हैं, शहादत का बदला मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल का यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। दरअसल बीजापुर में खूंखार नक्सली छिपे हुए थे, जिसकी जानकारी वहां पर जवानों को लगी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। तो 200 से 300 के समूह जो नक्सली थे, उन्होंने हमला कर दिया बटालियन पर, जिसमें करीब 22 जवानों की शहादत हो गई है। अभी भी कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं, इसके साथ ही कुछ लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन वाकई एक बार फिर से ये दिल दहला देने वाली घटना है कि देश में रहने वाले, देश के अंदर ही कुछ नक्सली इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं कि देश की जो रक्षा कर रहे हैं जवान, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। उनकी शहादत से देश गमगीन है, देश की आंखें नम है, और देश बदला मांग रहा है। अमित शाह ने 2-2 कह दिया है कि शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।